नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी परीक्षा अगस्त माह में हो रही है तो क्या आपको विश्वास होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मन में ऑलरेडी जो है, ये जो बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने आपके दिमाग में डाल रखा है कि पेपर आपका सितंबर में जाएगा, पेपर सितंबर में जाएगा, क्योंकि अगर वो अगस्त में बताते हैं तो शायद उनके जो कोर्सेस हैं वो सेल ना हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है कि आपकी परीक्षा अगस्त माह में होने की पूरी संभावना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि कल के पेपर कटिंग में जो बातें कही गई थी उसमें ये कही गई थी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, उसमें साफ तौर पे ये बातें कही गई है कि जो आपका टेंडर की प्रक्रिया है, ठीक है, किस कंपनी को टेंडर देना है, ठीक, टेंडर और एग्जाम सेंटर्स, ठीक है, टेंडर और एग्जाम सेंटर्स जो है ये क्लियर कर लिए गए दोस्तों। ये बातें कल के पेपर में कहा जा चुका है और कोई भी न्यूज़पेपर वाला ऐसे ही कोई बातें नहीं छाप देता है दोस्तों। ये जो टेंडर की प्रक्रिया थी ये बहुत ही अहम थी, क्योंकि आप जानते हैं कि मेन जो विवाद हुआ था पेपर लीक को लेकर के, ये टेंडर को ही लेकर के हुआ था कि जिस कंपनी ने टेंडर लिया था पेपर कराने को लेकर के, उस कंपनी के द्वारा जो है पेपर को लीक कराया गया था और उस कंपनी का जो ऑनर था वो बाहर भाग चुका है, यानी विदेश भाग चुका है। ठीक है, तो लोगों को यह लग रहा था कि जो कंपनी का टेंडर है हो सकता है कि इसके चयन में जो है थोड़ी जो है कि समय लग जाए थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। टेंडर की प्रक्रिया समाप्त कर ली जा चुकी है और साथ ही साथ जैसा कि मैं अभी एक दो वीडियो पहले मैंने बताया था कि जो एग्जाम सेंटर्स है उसके लिए सभी जनपदों को जो है बोला गया है कि आप जो है जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राजकीय विश्वविद्यालय है, राजकीय विद्यालय है, जितने भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वहां पे एग्जाम सेंटर्स बनाया जाए। तो दोस्तों एग्जाम सेंटर्स भी क्लियर कर लिया गया, यानी कि सूचीबद्ध कर लिया गया। पेपर में एक शब्द यूज किया गया है, सूचीबद्ध कर लिया गया। सूचीबद्ध का मतलब कि उसकी लिस्ट जो है वो तैयार किया जा चुका है। अब दोस्तों ये दोनों मेन जो है कि प्रॉब्लम थे, मतलब कि किसी भी एग्जाम को कराने के लिए ये दोनों चीजें अहम हो जाती है कि भैया कहाँ का एग्जाम सेंटर बनाना है, किस कंपनी को टेंडर देना है। अब एग्जाम की डेट को केवल अनाउंस करना बाकी रह गया है, उम्मीद करता हूं कि वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जल्द जो है अनाउंस किया जाएगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। एक बार अगर एग्जाम डेट अनाउंस हो गया तो ये मत समझिए आपको एक महीने का समय मिलेगा, मुश्किल से 15 से 20 दिन का समय आपको मिलेगा परीक्षा के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको 5 प्लस महीने जो है कि आपको मिल चुके हैं। तो अब जो है 6 महीने होने को है और यह कहा गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि 6 माह के भीतर आपकी परीक्षा जो है वो संपन्न करा ली जाएगी, और पूरी उम्मीद है कि 6 माह के भीतर आपकी परीक्षा जो है करा ली जाएगी। अब जल्द से जल्द जो है एग्जाम डेट अनाउंस करके आपकी परीक्षा जो है करा लिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर्स और टेंडर ये जो चीजें थी ये क्लियर हो चुकी हैं। इसी के साथ ही एक और अपडेट था कल के पेपर में कि जो होमगार्ड की भर्ती है वो भी अब किसके तर्ज पर होगी, तो यूपीपी के तर्ज पर होगी। यूपीपी के तर्ज पर मतलब कि सीधी भर्ती तो होगी लेकिन इसमें भी जो है एग्जाम होगा, ठीक है, इसमें भी एग्जाम होगा। और जो रनिंग होता था 1500 मीटर पुरुषों का, उसको जो है अब समाप्त कर लिया जाएगा, यानी पूरी तरीके से, मतलब आप देखो तो यूपीपी में जो है 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है, अब होमगार्ड में भी इतनी ही रनिंग होगी, क्योंकि होमगार्ड जो है ना आप देखो तो पुलिस विभाग में होमगार्ड की एक अहम भूमिका होती है। अगर आप यूपी 112 में देखो तो ज्यादातर जो ड्राइवर मिलेंगे आपको होमगार्ड विभाग से मिलेंगे, चाहे 2 व्हीलर हो गया चाहे 4 व्हीलर हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है होमगार्ड की जो भर्ती होगी, इस बार एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद जो है जो फिजिकल होगा वो भी बिल्कुल पुलिस विभाग की तरह ही होगा, तो होमगार्ड की भर्ती इस बार आसान नहीं रहने वाली है। जैसा कि इसके पहले जितनी भी होमगार्ड की भर्तियां हुई थी 2011 के बाद से अभी तक कोई भी होमगार्ड की भर्ती नहीं हुई है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो वो मृतक आश्रित ही आपको दिखेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो भर्ती के माध्यम से सेलेक्ट होकर के आया हो। 2011 लास्ट में जो है, मतलब 2011 में आखिरी बार होमगार्ड की भर्ती हुई थी। इसी के साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, सोमवार से हमारी यूपीपी की क्लासेस प्रारंभ हो रही है। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें आप लोग और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों यूपीपी की क्लासेस जो होंगी हमारी, ठीक है, ये हमारा मंडे से जो है स्टार्ट होगा, ठीक है, और हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है कवर करेंगे।
हम कम पढ़ेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अकेला हूं, अकेले मैं सब कुछ नहीं पढ़ा सकता हूं, ठीक है। लेकिन हाँ, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका पुलिस प्रशासन से रिलेटेड हो गया, चाहे आपका जो भारतीय न्याय संहिता नए में अभी आपका 1 जुलाई से लागू हुआ है वो हो गया, इसके अलावा आपका जो मैथ के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम कवर कर रहे होंगे दोस्तों। इसीलिए आप सभी जो है हमारा ज्यादा ज्यादा सहयोग करें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आपको नीचे दिख रहा होगा, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहां पे जो आपको क्विज मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, और आप उस क्विज के माध्यम से अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। और वो जो क्विज होगा ना, वो आपको कई सारे एग्जाम्स में जो प्रश्न आए हुए रहते हैं उनका एक संकलन है जो कि आपके लिए तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, नीचे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, प्रभु यूपीपी ऑफिशियल आप सर्च करो टेलीग्राम पर जाकर के, हमारा चैनल वहां पे आपको शो होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।